गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे तमाम डी एक्शन बाबा यूट्यूब चैनल देखने वाले आप तमाम लोगों को दो तीन दिन से कोई न्यू वीडियो नहीं मिल रहा था, तो आज मैं एक ऑफर के साथ आपको एक ये वीडियो सुनिए। डी एक्शन कंपनी में एक ऑफर निकाला है, मिनिमम कितना है 3500 पीवी, कब करना है बिफोर 15 अगस्त, ऑन आर बिफोर 15 अगस्त, ठीक है। और ये अगर आप कर लेते हैं अभी तो आपको मिलेंगे डी एक्शन स्पाइरल 120 कैप्सूल फ्री, और ऑफर 1 अगस्त टू 15 अगस्त तक के लिए है, ये 1 अगस्त 2015 तक के लिए। और ये तो है पुराने डिस्ट्रीब्यूटर लोगों के लिए, और जो न्यू है, जो न्यू मेंबर बनाते हैं तो उसके लिए है 1000 PV और इस मंथ में, और वो भी 15 अगस्त। क्या है ये 1000 PV इन ए मंथ ड्यूरिंग प्रमोशन, मतलब ये कि एक बिल में ही आपको 1000 पॉइंट बनाने हैं, तो आपको मिलेंगे डी एक्शन गैनोजी टूथपेस्ट फ्री। ऑफर 31 अगस्त 2018 तक है, ये न्यू वालों के लिए बहुत एक अच्छा मौका है। 1 अगस्त से 31 अगस्त 2015 तक का है, और ये क्या है मेंबर ज्वाइनिंग है ना, फ्रॉम 1 जून 2018 या इससे, मतलब ये कि बहुत बेहतरीन ऑफर है। ऑल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ऑल इंडिया, मतलब ये कि प्रमोशन है, और ओनली पीवी मेड इन इंडिया विल, मतलब ये कि सिर्फ इंडिया वालों के लिए है, और प्रमोशन वैलिड इसके स्टॉकिस्ट लास्ट फ्री इन, मतलब ये कि इसके बारे में आप हमारे थंबनेल पे, ये जो थंबनेल में दे रहा हूँ उसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, इंग्लिश में है। अच्छा, कुछ लोग सवाल करते हैं कि गैनोडर्मा कैप्सूल या पाउडर कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैं इसको तरीका बताता हूँ। गैनोडर्मा के सेवन के लिए कुछ विशेष निर्देश बता रहा हूँ आपको। अक्सर प्राय खाली पेट सेवन सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। उसका टाइम है सुबह 5 से 7 और शाम को 5 से 7 बजे के बीच लेना सबसे उपयुक्त है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है ये जो दो टाइम है। हाँ, बहुत लोग नहीं अगर टाइम मिल पाए तो फिर वो उसकी मजबूरी है, कभी भी ले सकते हैं, मगर ज़्यादा फायदा अच्छी अच्छाई के लिए यही टाइम अच्छा है, और वो भी खाली पेट। जिन्हें गैस्ट्रिक अल्सर या पेट की समस्या, दमा या मिर्गी की शिकायत है, उन्हें गैनोडर्मा कुछ खाने के बाद या नाश्ते के बाद ही लेना चाहिए। प्रतिक्रिया तेज हो तो खुराक कम कर दें, एलिमेंट रिफ्लेक्शन जब आते हैं तो खुराक कम कर सकते हैं, बंद नहीं करना चाहिए। इस दौरान पानी अधिक पिएं जिससे टॉक्सिन्स तेजी से शरीर से बाहर निकल जाए और प्रतिक्रिया में कमी आ जाए। गैनोडर्मा के सेवन के दौरान नींबू, संतरा, आंवला आदि विटामिन सी वाले फल या टैबलेट का प्रयोग, जिसके प्रभाव को बढ़ाने में मदद करता। विटामिन सी जितना ज़्यादा ज़्यादा लें उतना ही ज़्यादा आपको फायदेमंद है। हाँ, अगर किसी को सांस की प्रॉब्लम है और नींबू पीना चाहते हैं पानी में डाल डाल के, तो वो ना पिएं, बल्कि गर्म पानी में डाल के पिएं, जिससे उसको नुकसान नहीं होगा। क्योंकि आम आदमी भी अगर वो नींबू खाता है 2-3 दिन में 2-3 बार पानी में डाल के पी लेता है शरबत, तो उसको खांसी होने लग जाती है, क्योंकि नींबू बहुत ठंडा होता है। यही अगर गर्म पानी में, उबला हुआ पानी में डालना है, जैसे हमारी ग्रीन टी है, ऋषिगण टी है, बना के लोग डाल के पीते, इससे आपको उससे उल्टा असर होगा। क्या होगा, बदन में आपको विटामिन सी तो आएगा आएगा, मगर बदन को ठंडा नहीं करेगा, बदन को गर्म करेगा, ये समझ गए ना, इसलिए बहुत फायदेमंद है। तो, और अगर प्रतिक्रिया में दस्त लगना, समझ गए ना, दर्द बढ़ना, शुगर का बढ़ना वगैरह वगैरह हो, तो ये कोई बुरा साइड इफेक्ट नहीं है, ये सुधारवादी प्रतिक्रियाएं हैं जो 3 दिन से 10 दिन में शांत हो जाती है। किसी किसी का थोड़ा ज़्यादा भी लग जाता है, क्योंकि जिस घर में जितनी गंदगी होगी,
जिस जो ज़्यादा जल कई दिनों कई सालों तक गाड़ियों को साफ़ नहीं किया है, जब उसकी सफाई करते तो वो तुरंत साफ़ नहीं होता। और रोज़ जो साफ़ करता है घर को, मकान को, बर्तन, कपड़े वगैरह वगैरह को, तो वो जल्दी साफ़ हो जाता है। इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जो बहुत सारे घर हैं जिसको बोलते सेल्स, उस सेल्स में जब टॉक्सिन्स भरता है तो उसकी सफाई बहुत टाइम लग जाता है। जैसे एक प्लॉट में 10 कमरे हैं, एक एक कमरे करके साफ करेंगे ना, और किसी के एक प्लॉट में सिर्फ एक ही रूम है, तो वो तो जल्दी साफ हो जाएगा। इसी तरीके से समझ लीजिए सेल्स हमारा एक घर है, हम पूरा प्लॉट है और वो हमारा रूम है। देखिए इसका मैं ये बता रहा था, दस्त लगना, दर्द बढ़ना, शुगर का बढ़ना आदि हो तो ये कोई बुरा साइड इफेक्ट नहीं है, ये सुधारवादी प्रतिक्रिया है जो 3 से 10 दिन में शांत हो जाती है। इसलिए धैर्य रखें, सब्र रखें, सब्र के साथ उसको यूज़ करें, इस्तेमाल करते रहें। और यहीं पे 90% लोग छोड़ के भाग जाते हैं, ये समझते हैं कि यार ये तो बहुत प्रॉब्लम आ गई, बढ़ने लग गए हमें, ये तो नुकसान कर दिया। इसलिए किसी को भी दें गैनोरामा या 2-in-1 कॉफ़ी, उनको समझाइए कि काम करने का तरीका ये है और आगे चल कर आपको ऐसा होगा और वैसा हो रहा है, तो उसको यकीन आएगा कि हाँ यार सही कहा था इसने कि ऐसा ऐसा होता है तो वाकई में हो रहा है, तो मतलब ये सही कहा और सही दवा है। अगर आपने नहीं कहा दे दिया तो फिर यही होगा, तो कहेगा ये तो नुकसान कर गया। इसलिए हमारे डॉक्टर जेएस परवाना कहते हैं कि समझा के दीजिए, लेता है तो बहुत अच्छा, नहीं लेता तो कोई बात नहीं है, और कहिए साल भर से पहले नहीं छोड़ना है। अगर साल भर तक खाते हो तो खाओ, वरना मत खाओ, बदनामी मत करो, क्योंकि 2-3 दिन खाएंगे, 10 दिन 15 दिन एलिमेंट रिफ्लेक्शन आएंगे, छोड़ देंगे, और 10 को बुराई करेंगे कि यार इससे ये हो गया। हमारे साथ भी एक जगह ऐसा ही हुआ, उनको मैंने बताया था बहुत दर्द होंगे क्योंकि उसने स्ट्राइक वाली बहुत सारी चीज़ें खा रखे थे और कई तरह की दवाइयाँ उसने इस्तेमाल करी, मगर उसने जब इसका इस्तेमाल किया जैसे मैंने कहा वैसा ही उसको दर्द शुरू हुआ, अब बहुत तेज हुआ। तो मैंने कहा था दर्द की टैबलेट तो ले सकते हैं पर इसे बंद नहीं करना, मैं सुने इसने बंद कर दिया, अंग्रेजी दवाई शुरू कर दी, तो आज कहीं के नहीं है और उससे ज़्यादा परेशानी में। इसलिए कोई भी इंसान बीच में ना छोड़ा, यदि पीड़ा असहनीय हो तो इसके लिए कोई भी दवा ले सकते हैं। इस अवस्था में गैनोडर्मा का सेवन जारी रखें क्योंकि शरीर से हानिकारक पदार्थ बाहर निकलने के बाद रिफ्लेक्शन आना खुद ही बंद हो जाएगा। कुछ परिस्थितियों में गैनोडर्मा की मात्रा कम की जा सकती है परंतु बंद ना करें। गैनोडर्मा की मात्रा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के भिन्न होती है, गैनोडर्मा का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। यहाँ पे एक बात और जानने की बात है, बहुत लोग क्या करते हैं एक RGXGL लंबे टाइम तक चलाते रहते हैं, समझ गए ना, और लंबे टाइम चलाने से क्या होता है उसकी बॉडी का एक लिमिट हो जाता है, तो इसलिए गैनोडर्मा का डोज हमेशा बढ़ाते रहो, जैसे 1 महीने में बढ़ाओ, चाहे 6 महीने में बढ़ाओ, चाहे 1 हफ्ते में बढ़ाओ, मगर इसको बढ़ाते रहना चाहिए। इसी तरीके स्पायरलों का भी डोज बढ़ाते रहना चाहिए जिससे उनको पता चले, जैसे शुरुआत में ये 3 स्पायरलिना सुबह 3 शाम दिया, खाया, उनको फ़ायदा दिखा, 1 महीने के बाद वो रुक जाता है, क्यों आगे वो आगे नहीं बढ़ पाता, क्यों नहीं बढ़ पाता, उसकी एक आदत हो गई। अब वही अगर हर हफ्ते बढ़ाते जाएं स्पायरलिना को, तो देख लीजिए उसकी बॉडी हमेशा बदलाव में रहेगी, उसको अलग ही महसूस होता रहेगा हमेशा। अगर आपने उतना ही भी छोड़ दिया तो आप कहेंगे यार कुछ फ़ायदा ही नहीं कर रहा, हालांकि वो फ़ायदा कर रहा है, जितना आप मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से वो आपको विटामिन के और एनर्जी वगैरह वगैरह दे रहा है, यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे बैठ गया है आपका। जब इधर से ज़्यादा माल मटेरियल पहुँचेगा है ना, तो क्या होगा, जैसे एक मकान बन रहा है, मकान बन के एक एक फर्स्ट फ्लोर तक बना के आप छोड़ देंगे उतना ही पे, तो आगे वो ऊंचाई बढ़ेगा 2-3 मंजिल नहीं बनेगा, जब माल मटेरियल जाता रहेगा तो वो बढ़ता रहेगा। सेम इसी तरीके हमारे बॉडी की ताकत, एनर्जी, बीमारी की जो रोकथाम है वो हमेशा बढ़ाते रहिए। तो मेरा कहने का है RGGL हमेशा डोज को बढ़ाते जाइए और बहुत दूर तक जाइए, जब देखें कि हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो वहाँ से कम करते आइए, कम करते करते लास्ट 1 पे आ जाइए। फिर 1 पे आने के बाद देखिए कोई दिक्कत नहीं है तो कुछ दिन 1 पे रखिए, फिर आगे बढ़ाइए, मतलब फिर से
वैसा ही कीजिए जैसे शुरू में किया था, फिर नीचे आइए। इस तरीके से बॉडी को आदत नहीं बनेगी किस चीज़ की, एक ही जैसा, हमेशा आपकी बॉडी में बदलाव आती रहेगी। इसी तरीके स्पाइरलना की भी है, स्पाइरलना तो बहुत ज़रूरी है। एक हफ्ता फर्स्ट में एक एक सुबह शाम दीजिए, दूसरे हफ्ते दो दो दीजिए, तीसरे हफ्ते तीन तीन दीजिए, चौथे हफ्ते तीनों टाइम कर दीजिए, समझ गए ना। इस तरीके से जब हम बढ़ाते जाएंगे, एक दिन ऐसा होगा आप 60 कैप्सूल के पार पहुंच जाएंगे। जब 60 कैप्सूल के पास पहुंच जाएंगे तो आपकी बॉडी अंडरटेकर जैसा लगेगा, हाँ, और खली जैसा, इतने ताकतवर होंगे, तब कहेंगे हाँ स्पाइरलना में जान है। और हम तीन तीन सुबह शाम लेते रहें, सालों साल लेते रहें, तो दूर वाला देखने वाला भी कहेगा तुम्हारे अंदर तो कुछ बदलाव नहीं आ रही है। हालांकि वो बदन को गाड़ी को चला रहा है अच्छा खासा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उभरना चाहिए। जब हम उभारेंगे अपने आप को तो लोगों को दिखाई देंगे, हाँ पहले आप ऐसे थे अब ऐसे हो गए। जैसे मोटापा कम करने के लिए जब हम खाते हैं तो कम होता है, लोग कहते हैं हाँ यार तुम्हारी बॉडी पेट कम हो गया, वजन कम हो गया, देख रहे हैं ना। और जब वो उतना ही कम पे छोड़ देंगे, एक ही जैसा करें यार तुम तो ऐसे ही हो कई सालों से, समझ, तो मतलब कहने का आप समझ चुके होंगे कि उसको डोज को बढ़ाते रहिएगा, ठीक है। और हमारे कुछ भाइयों के सवाल हैं पेंडिंग में पड़े हुए हैं, थोड़ा मैं आजकल थोड़ा बिजी हूँ, तो मैं बहुत जल्द आप लोगों के तमाम सवाल के जवाब में दूंगा। कम से कम 15 लोगों के सवाल इकट्ठे हो चुके हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए डी एक्शन बाबा, और इसी तरीके से हमारी वीडियो को देखते रहिए और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और एक हमारे प्रमोद दास गुजरात से, राजकोट से फ़ोन करते हैं, बताते हैं कि यहाँ पे आपकी वीडियो सुना सुना के मैं लोगों को सुनाता हूँ तो लोग जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और जुड़ भी जाते हैं, मगर वहाँ प्रोडक्ट में बहुत मुश्किल आ रही है, जो कई कई एक एक हफ्ते लग जाते हैं, प्रोडक्ट नहीं मिलते। तो और दूसरी बात, जो स्टॉक पॉइंट पे जो लोग बैठे हुए हैं वो अनपढ़ गंवार को बिठा देते हैं सिर्फ बिल काटने के लिए, कुछ आता जाता नहीं है, कभी मिलता कभी नहीं मिलता। इनकी ये दुख भरी दास्तान है प्रमोद दास की, तो मैं कोशिश करूँगा कि दिल्ली हेड ऑफिस में कि इसके बारे में मैं शिकायत करूँगा कि वहाँ पे प्रोडक्ट 24 घंटे उपलब्ध हों और बताने वाले भी हों। तो प्रमोद दास जी आप टेंशन ना लें, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी बात कंपनी के हेड तक पहुँचाने की। और अगर किसी की और भी कोई समस्या है, प्रॉब्लम हो, तो मुझे आप बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दिया कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9871129152698719151526। थैंक यू, शुक्रिया इस वीडियो को सुनने के लिए।